हेलो उत्रियन फैमिली, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, और आप सभी लोगों को बढ़िया होना भी चाहिए। तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। आ जाओ चलते हैं सीधा ही पिछले एपिसोड पे। कर दिया ना लाइक से सब्सक्राइब? तो पिछला जो एपिसोड था काफ़ी ख़तरनाक था, जहाँ हमने देखा हुआ होता है ओरिजन गॉड का सीक्रेट। भाई क्या लाइफ थी उसकी, भाई एल लगे पड़े थे उस बंदे के। क्या गलती थी उसकी, मेरे को उस बंदे के लिए बुरा लग रहा था। मैं रात भर नहीं सोया यार, वो बात अलग है कि मैं रात भर BGMI खेल रहा था, लेकिन सोया नहीं हूँ मैं रात भर। तो जो पिछला एपिसोड था, तो उसमें अपन ने देखा था कुल मिला के कि डिजायर जो होती है वो एग्री हो चुकी थी, जोयान को पावर दे चुकी थी, जोयान ने पावर समझना शुरू कर दिया था, जीमाओ के साथ जोयान की फाइट हुई थी, जोयान ने जीमाओ को पेला था। ऐसा तुम लोग को अगर लगता है तो बिल्कुल नहीं, जीमाओ ने जोयान को पेला था। जोयान ने अपनी बॉडी को काफी लंबा चौड़ा कर लिया होता है, लेकिन फिर भी जीमाओ का एक पंजा और अपना जोयान गंजा। जिसके बाद जीमाओ कहता है मैं तेरे को थोड़ा और टाइम देती, तू जल्दी स्ट्रांग होती और फिर हमसे फाइट करती। जो देखकर जोयान कहता है ठीक है भाई। जिसके बाद जीमाओ ने जोयान के माथे पे पंजा रखा था और जोयान को एक विजन दिखाई देता है, जहाँ पे एक ओरिजन गॉड जोयान के सामने अपीयर होता है, जो जोयान को बताता है कि बेटा देख, तू मेरा जिगर का टुकड़ा था, तू मेरा ही छोकरा था, पावर तेरी पैदा होते ही 9 स्टार ओरिजन गॉड, तू हमारे क्लेन की एक लौती औलाद, 14th जनरेशन का किंग होने वाला था। लेकिन तभी चिमी के चूजे आते हैं, पिछवाड़े उनके सूजे आते हैं, वो तुझे इन्फेक्टेड कर देते हैं, तेरी पावर को कैप्चर कर लेते हैं, जिससे तेरी पावर 1 स्टार पे आ जाती है, तू मरने वाला होता है। मैं जैसे तैसे मेहनत करके तुझे बचाता हूँ, तुझे उठाकर एक खानदान के घर के बाहर रख के आता हूँ, तू बचेगा नहीं बचेगा मुझे नहीं पता था, लेकिन उस टाइम पे ओरिजन गॉड क्लेन में कैओस था, मैं तुझे वहां नहीं ले जाता हूँ। जिसके बाद वो लौंडा होता है, बड़ा होता है, पावर में अपने दम पे खड़ा होता है, ये पहुंच जाता है ओरिजन गॉड क्लेन में, बोलता है हमारे पिताजी कहाँ है। तभी फेंग जेंग नाम का एक बंदा आता है जो कहता है तेरा बाप मर गया और तू भी यहाँ से फूट ले, दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं, जब तक हमसे दूर रहेगा जिंदा रहेगा। जिसके बाद वो इसके बाप का कटा हुआ सर लाता है और इसे दिखाता है कि देख ले ये तेरा बाप है, ये मर चुका है, तू भी मर जाएगा, और ये तो तेरे बाप की बदौलत है कि तू जिंदा बच गया, वरना तो तुझे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। जो देखकर ये बच्चा चिल्लाने लगता है कि मेरे पापा नहीं मर सकते, मुझे अभी सवाल पूछने थे, और एपिसोड मैं वहीं एंड कर देता हूँ। तो ये जो एपिसोड है जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है, देखते हैं इस एपिसोड में क्या होगा। तो यहाँ फेंग जेंग कहता है तुम्हारी पावर वीक थी, इसीलिए तुम्हारे बाप ने तुम्हें छोड़ दिया, और यही सच है, अब यहाँ से चले जाओ। फेंग जेंग यहाँ काफी हार्ड इंप्रेशन के साथ तियानलिंग को देख रहा होता है और मुंह के कोने पर हल्की सी स्माइल होती है। फेंग जेंग को पता था कि तियानलिंग अब अपना दिमाग लगभग खो चुका है, हालांकि फेंग जेंग यहाँ पे थोड़ा सा जेलिसी भी महसूस कर रहा होता है। दोस्तों तियानलिंग की जो आंखें होती है एकदम जमी हुई होती है, उसे नहीं पता था और किसी को भी नहीं पता था कि इस टाइम पे उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन तियानलिंग की बॉडी के बगल में एक गोल्डन लाइट देखी जा सकती थी। तियानलिंग तुरंत ही कहता है खराब क्वालिफिकेशन, क्या आपके बच्चों के पास क्वालिफिकेशन कम है तो आप उन्हें छोड़ देंगे? मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। तियानलिंग फुल गुस्से में बड़बड़ा रहा होता है, उसके चेहरे के जो इंप्रेशन होते हैं वो क्रूएल हो गए होते हैं। दोस्तों फेंग फेंग इसे देखकर और भी ज्यादा हंस रहा होता है, क्योंकि यही तो वो रिजल्ट था जो वो सबसे ज्यादा चाहता था। वो तुरंत ही कहता है अपने बाप को देखो, उसने ही तुम्हें छोड़ दिया है। और इतना कहने के बाद फेंग जेंग तुरंत ही अपनी जगह से गायब होकर तियानलिंग के सामने आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे तियानलिंग ने अब सोचने समझने की स्ट्रेंथ खो दी थी। उसकी आंखें पूरी तरीके से उस बड़े से सिर पर टिकी हुई होती है, वो सिर जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी। तियानलिंग की सांसें भारी हो गई होती है, ऐसा लग रहा होता कि अब उसकी बॉडी में ना कोई फीलिंग है ना कोई इमोशन। तभी फेंग जेंग का जो पंच होता है सीधा ही तियानलिंग के चेहरे पर जाकर लगता है, जो कि अभी तक अपनी चोटों से उभर भी नहीं पाया था। साथ ही यहाँ पे उसका डॉच करने का भी इरादा नहीं होता, वो सीधे ही बाहर की तरफ आ जाता है। हालांकि इस पंच से टकराते ही तियानलिंग पीछे की तरफ गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब फेंग जेंग का हटने या उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। फेंग जेंग की पूरी बॉडी से किलिंग इंटेंट ऑरा निकल रहा होता है, जो स्ट्रांग होता जा रहा होता है, और उसने इस टाइम पे तियानलिंग को पूरी तरीके से खत्म करने की स्ट्रेटजी बनाई होती है। ऐसा लग रहा होता है अब उसमें और देरी करने का कोई मतलब भी नहीं था। फेंग जेंग तियानलिंग को फिर से पंच मारता है, और इस बार का उसका जो निशाना होता है सीधा ही खोपड़ी को उड़ा देने का होता है, जैसे कि वो तियानलिंग का सिर डिस्ट्रॉय करना चाहता हो। वो तुरंत ही कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ वास्टर्ड, ये सिर्फ इतना है कि तुम्हारी ताकत बहुत वीक, तुम्हारी बॉडी को रखने की भी कोई जरूरत नहीं। फेंग जेंग की बॉडी जैसे ही साइन होती है गोल्डन फिश चमचमाती हुई उसकी तरफ आ चुकी होती है। तियानलिंग का पूरा चेहरा खून से लथपथ, आंखों में एक अब नॉर्मल सा फ्लक्चुएशन, लेकिन एकदम कमिटेड आंखें जिसमें कोई भी डर नहीं था। फेंग जेंग यहाँ पे तुरंत ही कहता है मेरे फादर की डेथ कैसे हुई,
उन्हें किसने मारा? क्या कोई जानता है? जैसे ही आवाज निकली होती है, फेंजेंग की जो फिस्ट होती है एक पाम अटैक के सामने रुक चुकी होती है, और ये जो पाम आई होती है जिसने फेंजेंग की मुट्ठी पकड़ ली थी, ये किसी और की नहीं बल्कि तियानलिंग की फिस्ट होती है, तियानलिंग का पाम होता है, जो देखकर फेंग फेंग तुरंत ही कहता है, मौत की तलाश, बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। फेंजेंग यहाँ गुस्से में चिल्लाते हुए अपने पैर से तियानलिंग की जांघ पे अटैक करता है, लेकिन अजी घंटा तियानलिंग ज्यों का त्यों खड़ा हुआ था, ना पीछे जाता ना आगे आता, वो बस उसे देखते हुए कहता है, मैं फिर से पूछता हूँ, मेरे फादर को किसने मारा? तियानलिंग गुस्से में चिल्लाता और फेंजेंग की फिस्ट पकड़ लेता है। फेंजेंग ने कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो छूट नहीं पा रहा था। फेंजेंग को पता भी नहीं था कि आखिरकार इस टाइम पे हुआ क्या, उसके इंप्रेशन में काफी खतरनाक झटका लगा होता है। इस छोटे से मूवमेंट में तियानलिंग ने उसे पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था और काफी वीक एहसास कराया था। जी फेंग तुरंत ही कहता है, फेंजेंग पावर ऑफ एंग्री गॉड, और अचानक ही उसकी बॉडी से एक धमाका होता है और फेंजेंग पीछे की तरफ चला जाता है तियानलिंग के कंट्रोल से दूर। साथ ही पीछे की तरफ जाते हुए फेंजेंग की जो फिगर होती है वो आसमान छू रही होती है। उससे विश्वास नहीं था कि वो तियानलिंग से हार जाएगा, जिसके बाद फेंजेंग तुरंत ही कहता है, तुम सिर्फ एक 9 स्टार ओरिजन गॉड हो, मैं पहले से ही एंसेस्टरियल ओरिजन गॉड तक पहुंच चुका हूँ, मुझे अगर तुम्हें मारना भी है तो ये मेरे सिर्फ एक थॉट का काम है। फेंजेंग की जो बॉडी होती है जो थाउजेंड ऑफ फीट की हो चुकी होती है, उसके पाम अटैक में गोल्डन लाइट दिखाई देती है, जिससे उसकी पाम की मिस्टीरियस लाइनें भी दिखाई दे रही होती है, जो कि एक हाई लेवल का बेटर स्किल होना चाहिए था। तभी तियानलिंग अपना सिर उठाता है और हवा में उस बड़ी सी पाम को देखता है जो उसके चारों तरफ आ रही होती है, तो उसका इससे डॉच करने का कोई इरादा नहीं होता, हालांकि उसे काफी बेचैनी महसूस हो रही होती है। तियानलिंग की फिजिकल बॉडी सीधे ही फट गई होती है और एक बड़े गोल्डन ब्लड मिस्ट में बदल गई होती है। इस सीन ने सभी ओरिजिन गॉड्स को चौंका दिया होता है, उन्हें लगा कि तियानलिंग की लंका लग गई और उसकी हड्डी तक को एल्डन ने चकना चूर कर दिया है। लेकिन तभी शुरू होता है कहानी का असली ट्विस्ट। अचानक उस गोल्डन मिस्ट से इस स्केलेटन बॉडी अफेयर होती है, जो कि पहले से कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। उस स्केलेटन बॉडी में मास और ब्लड तेजी से फ्यूज होने लगता है और एक ही पल में यह 10,000 फिगर हासिल कर लेती है। दो देखकर फेंजेंग की आंखें सिकुड़ जाती है और वो अपने सामने की फिगर को देखता है जो उससे हजारों फीट लंबी थी। 10,000 फीट लंबी बॉडी को देखकर वो एक आधे बौने की तरह दिख रहा होता है। साथ ही पावर में अंतर के साथ कोई और ब्लड की पावर भी ऑब्वियसली यहाँ पे होती है जो उसे सप्रेस कर रही होती है। वो तुरंत ही कहता है, क्या ये 10,000 फीट की बॉडी को पूरी तरीके से कंडेंस कर सकता है? दोस्तों ये सीन देखकर तो जुआन की भी फट गई होती है कि अगर ऐसा हो सकता है तो क्या फिर जुआन ऐसा नहीं कर सकता। साथ ही वो कहानियां जो जिन हुआ सैन ने जुआन को बताई थी वो जुआन अपनी आंखों से देख रहा था। इसके अगेंस्ट जुआन को यह भी एहसास होता है कि उसने केवल स्केलेटन को कंडेंस किया था, लेकिन वो फिजिकल बॉडी पूरी तरीके से कंडेंस नहीं कर सका था। जबकि ओरिजिन गॉड की फिजिकल बॉडी जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसकी बैटल पावर और फाइटिंग पावर उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। जिसके बाद तियानलिंग की जो फिस्ट होती है खाई की तरह नीचे फेंजेंग से जाकर टकराती है और फेंजेंग तेज हवा से नीचे गिर गया होता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली होती है और जब फेंजेंग के ऊपर तियानलिंग की फिस्ट गिरती है, अचानक ही वो अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में दो स्टार दिखाई दे रहे होते हैं। वो तुरंत ही कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एकमात्र बेकार से गार्बेज 10,000 फीट बॉडी कैसे पा सकते हो। फेंजेंग कितना कहती है, उसकी जो फिजिकल बॉडी होती है अचानक ही बढ़ने लगती है और फेंजेंग की बॉडी भी तियानलिंग के कंपैरिजन में आ चुकी होती है। वाइड में ये जो ओरिजिन गॉड होते हैं ये काफी ज्यादा आइकॉनिक दिख रहे होते हैं। इसके अलावा दोनों ही लोगों की फिस्ट अचानक से हवा में टकराती हैं, जिसका इफेक्ट आसपास के स्टार्स में भी हो रहा होता है और ये एक तेज फ्लक्चुएशन होता है जो चारों तरफ फैल गया होता है। यहाँ तक कि काफी सारे स्टार से तुरंत ही डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती हैं, वरना भले ही इस पावर के फ्लक्चुएशन या इफेक्ट से ये स्टार डिस्ट्रॉय नहीं होते, लेकिन जो तारे की बैलेंसिंग होती उन पर जरूर इससे इफेक्ट पड़ता। तभी अचानक एक बंदा कहता है, आखिरकार ये पर्सन कौन है और ये कैसे हो सकता है कि उसकी बॉडी यंग मास्टर के जैसी है और वो वास्तव में 9 स्टार ओरिजिन गॉड महसूस होता है। साथ ही ये अनबिलीवेबल है कि वो पर्सन पहले कभी नहीं देखा गया, और अगर ये वास्तव में वही है जिसका ब्लड इन्फेक्टेड है तो इस खून के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है। चारों तरफ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वो तियानलिंग को नहीं जानते थे और ना ही ये जानते थे कि वो 13th जनरेशन के ओरिजिन किंग का सन था। यहाँ पे ये देख रहे होते हैं कि फेंजेंग और तियानलिंग दोनों ही 10,000 फीट में बदलकर यहाँ फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें तियानलिंग फिर से यहाँ पे नुकसान में पड़ गया होता है। हालांकि उसने जो कुछ भी किया वो उसकी कठिनाइयों और कड़ी मेहनत का रिजल्ट था
और कड़े कल्टीवेशन का। लेकिन फेन चेंग अलग है। बोस बचपन से ही जिनसन क्लेन के बीच बड़ा हुआ। उसने जो कुछ भी हासिल किया वो पूरी तरीके से हाई लेवल के रिसोर्सेस थे। इसलिए जब ताकत बराबर होती है तो ये आपके बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा स्ट्रांग। और इसमें कोई शक की बात नहीं होती है कि फेन चेंग त्यानलिंग से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रांग था। तभी फेन चेंग तुरंत कहता है, वास्तव में सरप्राइज की बात नहीं कि आपकी क्वालिफिकेशन पहले से ही ऐसी है, आप अभी भी इस कदम तक पहुंच सकते हैं। हालांकि 10,000 फीट की जो बॉडी है वो काफी रेयर है और ये एंसेस्टर एलम के बाद ही पाई जा सकती है। और जो लोग एशियन एलम में पहुंच सकते हैं वो एशियन गॉड्स हैं, जिन सभी एशियन गॉड की बॉडी 10,000 फीट तक पहुंच जाती है। इसीलिए मैं तुम्हें बता दूं कि ये अभी भी ओरिजन गॉड्स की लिमिट नहीं है। ओरिजन गॉड एक ऐसी ट्राइब है जो कई वर्ड्स पर जा सकती है, यहाँ तक कि उस वर्ड को फोर्सफुली एक हाई लेवल के वर्ड पर ले जा सकती है। हमारी पावर इतनी भी इजी नहीं है। दोनों के अटैक यहाँ पे टकरा रहे होते, फेन चेंग ने पागलों की तरह अटैक करना शुरू कर दिया होता है। उसके पास बहुत सारे पावरफुल स्किल्स और टेक्निक्स होती हैं और ऑब्वियसली काफी सारे डिसरिस्पेक्ट और एरोगेंट वर्ड्स। त्यानलिंग का उसके लिए कोई भी मुकाबला नहीं था और वो फिर जल्द ही हारने लग गया होता है। तभी त्यानलिंग तुरंत कहता है, तुम्हारी बॉडी मेरे लिए इतनी ज्यादा फेमिलियर और इतनी नाराज करने वाली क्यों है? त्यानलिंग हार रहा होता है लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा कम नहीं हो रहा होता। भले उसकी बॉडी हैवीली इंजर्ड हो गई थी फिर भी वो नीचे नहीं गिरता। वो अभी भी बात कर रहा होता है फेन चेंग से, जो सुनकर वो तुरंत ही कहता है, आप ये जानने लायक नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके फादर की डेथ आपकी वजह से हुई, एक हारे हुए पर्सन की वजह से। जो सुनकर त्यानलिंग थोड़ा सा चौंक गया होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या वो और उसके फादर जो ओरिजिन गॉड के किंग थे वो मारे जा चुके हैं। हालांकि त्यानलिंग को यहाँ पे सच नहीं पता था, इसीलिए वो अभी भी मरने को तैयार नहीं होता। और इस टाइम पे फेन चेंग की जो फिस्ट होती है वो गोल्डन लाइट की तरह फटते हुए उसकी तरफ बढ़ती है, जिसने एकदम टॉर्नेडो क्रिएट कर दिया होता जो खतरनाक पावर के साथ त्यानलिंग की तरफ झुक गया होता है। अब यह फिस्ट पहले जैसी फिस्ट नहीं होती जिसे त्यानलिंग झेल सकता था। फेन चेंग की फिस्ट लगातार त्यानलिंग के ऊपर गिर रही होती है और त्यानलिंग की ब्लड और एनर्जी लगातार कमजोर हो रही होती है। वो तुरंत ही कह रहा होता है, 13th जनरेशन के ओरिजन गॉड किंग मेरे फादर, अगर वो हैं तो फिर आप कौन हैं? जो देखकर फेन चेंग तुरंत ही प्राउड से कहता है, मैं हूं यहाँ का असली किंग। जो देखकर फेन चेंग तुरंत ही कहता है, उस मामले में अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या मैं जिनसन क्लेन का नया यंग मास्टर बन के तुम्हारी जगह ले सकता हूँ? त्यानलिंग की बॉडी धसी हुई होती है और खून से लथपथ होती है। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पावर के एंडिंग में है। जो देखकर फेन चेंग तुरंत कहता है, मरने वाला बंदा अभी भी इस तरीके के सपने देखता है। और इसके बाद उसका एक और फिश त्यानलिंग के चेहरे पर लगता है और त्यानलिंग पीछे की तरफ जाता है। उसी टाइम पे गोल्डन लाइट अचानक ही अफेयर होती है और त्यानलिंग की जो बॉडी होती है अचानक ही फट गई होती है, जिसके बाद सेम वही सीन होता है। गोल्डन लाइट से वॉइड में एक फिर से बड़ी सी बॉडी धीरे धीरे अफेयर हुई थी और एक ही बार में फेन चेंग जो जीतने के लिए कॉन्फिडेंट था पूरी तरीके से शॉक रह गया होता। उसने सोचा था कि 10,000 फीट की जो बॉडी है वो इस बच्चे की लिमिट होनी चाहिए, लेकिन वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ये लौंडा भी उससे बड़ा हो सकता है। त्यानलिंग फेन चेंग के सभी अंदाजे और अनुमान की लोअर लाइन को क्रॉस कर चुका होता है। वो तुरंत ही कहता है, 1,00,000 फीट ये वो साइज है जिसे केवल एशियन गॉड ही पा सकते हैं। ये स्पष्ट तौर पर सिर्फ एक 9 स्टार का बंदा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? फेन चेंग पीछे हटकर 1,00,000 फीट की त्यानलिंग की बॉडी को देख रहा होता है, ऊंचाई देख ही नहीं पा रहा था कि ये बंदा है वास्तव में कितना ऊंचा। साथ ही फेन चेंग को जो कुचलने वाली कुई और पावर महसूस हो रही होती है उससे उसे सीधा महसूस हो रहा होता है कि ये बंदा उसे जान से मार देगा। तभी आसमान को ढकने वाला ये एक पाम अटैक फेन चेंग की तरफ बढ़ती है। यहाँ पे त्यानलिंग ये पता लगाने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड था कि उसकी फादर की डेथ क्यों हुई और कैसे हुई। हालांकि जैसे ये पाम अटैक फेन चेंग की लंका लगाने वाला होता है, अचानक ही हवा में एक कोल्ड लाइट अपीयर होती है और उतना ही बड़ा पाम अटैक क्रिएट होता है जो फेन चेंग के अटैक से जाकर टकराता है और उसे रोक देता है, जिसके बाद एक आवाज आती है, इस मामले को किनारे रखा जा सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रिंस झुओ का बेटा इतना बड़ा हो सकता है। हालांकि आप फैमिली में वापस लौटे हैं तो आपको यंग मास्टर या प्रिंस का ताज पहनाया जा सकता है, ये आपकी पोजीशन के लिए कैसा है? साथ ही वहां सिर्फ एक शैडो नहीं बल्कि 9 एल्डर्स होते हैं। चोयान अपने सामने के सीन को देखता है तो अचानक हैरान होता है और वो तुरंत ही कहता है, मेरे फादर कैसे गिरे जब तक आप लोगों ने उन्हें धोखा नहीं दिया, उनकी डेथ कैसे हो सकती है? साथ ही चोयान जिसने ये आवाजें सुनी होती है, जिसने ये सीन देखा होता, वो अंदाजा लगा सकता था कि ये 13th जनरेशन का ओरिजिन किंग था। तभी त्यानलिंग कहता है, मैं फैमिली में आ गया हूँ, मैं सिर्फ एक त्याग दिया गया चाइल्ड हूँ, मेरे पास ओरिजिन गॉड का ब्लड है, लेकिन मैं यहाँ इस टूटी हुई फैमिली की परवाह करने के लिए नहीं हूँ। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि मेरे फादर ने मुझे क्यों छोड़ा,
और उनकी डेथ क्यों हुई। स्टैनलिंग पागलों की तरह बेतहाशा हंस रहा होता है और सामने की तरफ जो नाइन फिगर होते एकदम चुप होते हैं। तभी उन नाइन में से एक एल्डर तुरंत ही कहता है, हालांकि आप किंग जुओ के सन हैं, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो ऑरिजन गॉड क्लेन के अंदर गलतियां कर सकते हैं, वरना हम किसी भी समय आपको मारने के लिए तैयार है। तभी अचानक आवाज आती है, तुम ओल्ड घोस्ट बू, मेरे मरने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। जैसे ही आवाज निकलती है, जोयान इस आवाज में गुस्से को महसूस कर सकता था। त्यानलिंग यहाँ तुरंत ही कहता है, क्या ये ओरिजन गॉड क्लेन है? अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो बस मारें, इतनी बकवास क्यों। त्यानलिंग यहाँ झुकने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसका जो आवाज होता है और जवाब एकदम दबंग तरीके से होता है। तभी जो जिनसेन एम्परर था, मतलब ओरिजन किंग जो जॉन के सामने था, वो जो कहता है, वाह बेटे ये मेरा बेटा है, वो अपने फादर से कम दबंग नहीं है। जॉन यहाँ पे आवाजें सुन के बुरी तरीके से स्माइल कर रहा होता है, लेकिन ये सब कुछ एक एल्यूजन है। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि किंग जुओ इसे अभी भी जाने नहीं दे पा रहा था। तभी इन नाइन फिगर में से एक पर्सन अचानक ही बाहर निकलता है और एक गोल्डन पाम अटैक हवा में कंडेंस होती है, जो त्यानलिंग की फिगर से भी बड़ी होती है। हालांकि इस अटैक का विरोध करने की त्यानलिंग कोशिश करता है, लेकिन इस पाम अटैक ने उसे सीधा ही मिटा दिया होता है और वह खून की उल्टियां करते हुए पीछे की तरफ जाता है। अब तक त्यानलिंग को केवल इतना ही पता था कि वो 13th जनरेशन के ओरिजन गॉड किंग का सन है, लेकिन हुआ क्या ये उसे नहीं पता। त्यानलिंग तुरंत ही कहता है, मेरे फादर ने मुझे नहीं छोड़ा, ये ठीक है, वो बस बैटल में मर गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मुझे नहीं चाहते थे, बस उनके पास मेरे पास लौट कर आने का टाइम नहीं था। त्यानलिंग को यहाँ पे कुछ चीजें समझ में आ रही होती है, उसकी आंखें अचानक ही खुल गई होती है और उससे एक लेजेंडरी ऑरा निकल रहा होता है। तभी यहाँ पे जो बाहर ओरिजन किंग होता है, वो तुरंत ही कहता है, मेरे बेटे फादर ओरिजन गॉड की पोजीशन से रिटायर होना चाहते थे और आपके साथ लाइफ बिताना चाहते थे, लेकिन ये लोग वैसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे तुम्हारे खिलाफ एक साजिश और तुम्हें मार देना, ये तुम्हारे लिए वास्तव में कठिन है। हालांकि एक फादर के तौर पर मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मैं तुम्हें वहाँ से दूर ले गया, मुझे यकीन था तुम जब तक जिंदा रह सकते हो तुम सभी वैरियर्स को ब्रेक कर सकते हो, और तुमने वास्तव में किया। ये आवाज जब हमें बात कर रही होती है और ये आवाज केवल जोयान ही सुन सकता था। जिसके बाद जॉन फिर से अपने सामने त्यानलिंग की फिजिकल बॉडी को देखता है, जो कि धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही थी। जो देख कर जॉन कहता है, क्या ये 1,00,000 फीट की यह बॉडी भी अभी भी इसकी लिमिट नहीं है? उसके सेक्शन ने न केवल ओल्ड घोस्ट बू को चौंका दिया होता, बल्कि सभी के सभी ओल्ड एल्डर्स भी सदमे में होते और वो तुरंत ही कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? न केवल ओल्ड घोस्ट बू बल्कि बाकी की फिगर और साथ ही फैन जेंग की तो फटकर फ्लावर पॉट हो चुकी होती है, क्योंकि 1,00,000 फीट की बॉडी पहले से ही बहुत कम एशियंट गॉड थे जो पा सकते थे, लेकिन ये बंदा जो पहले से ही उसी की एज का था इस लेवल तक पहुंच गया है, जहां तक पहुंचना एशियंट गॉड्स के लिए भी इम्पॉसिबल था। वो तुरंत ही कहता है, 1,000 साल के अंदर कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। उसकी क्वालिफिकेशन, वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? फैन जेंग की आंखें सिकुड़ चुकी होती हैं, वो लगातार कांप रहा होता है। उसके सामने की इस फीट ने, बॉडी ने फैन जेंग की सोल को ही गायब कर दिया होता। उसे लग रहा होता है कि बंदा अगर हल्की सी चुटकी लेगा तो उसकी तो लंका लग जाएगी। वो तुरंत ही कहता है, 1,00,000 फीट की बॉडी, जबकि वो एशियंट गॉड रियलम के एशियंट रियलम तक नहीं पहुंचा, एंसेस्टर रियलम तक नहीं पहुंचा, फिर भी वो व्यक्ति इतनी बड़ी बॉडी को हासिल कर सकता है जो अनंत काल में हमारी ओरिजन गॉड क्लेन में कभी भी नहीं हुआ। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगती है, सभी एल्डर्स एक दूसरे को देखने लगती है, उनकी आंख कान अचानक खुल गए होते हैं और वो तुरंत ही याद करते हुए कहती है, एशियंट एक्सट्रीम बॉडी, क्या ये एक्सट्रीम जायंट ओरिजन गॉड है? और अगर ये वास्तव में है तो उसकी बॉडी 1,00,000 फीट से ज्यादा बड़ी हो सकती है, तो क्या इस पर्सन ने अपनी ताकत छिपाई है? नहीं, यानी कि यही पॉसिबिलिटी है कि उसके पास लेजेंडरी एशियंट एक्सट्रीम बॉडी है। ये वास्तव में इतने कम टाइम के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अगर उसे इग्नोर किया गया तो ये जिनसेन क्लेन के लिए अफसोस की बात होगी। तभी नाइन एल्डर्स तुरंत ही कहते, इतने पावरफुल और टैलेंटेड होने का क्या फायदा? अगर ये पर्सन अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता तो ये एक डिजास्टर है सिर्फ क्लेन के लिए। हाँ तो चूतियों सालों, ना तो उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे ऐसा वैसा बोल के क्लेन से बाहर करेंगे। अब बंदा अपना टैलेंट और पावर दिखा रहा है तो उसे भी बोलेंगे, नहीं भाई हम इसे भी नहीं मानते, ये अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, चूतियों सालों। यहाँ पे सभी 9 के 9 एल्डर्स के जो आंखें होती हार्ड होती है, उनके सभी के थॉट अलग अलग होते हैं, उन्हें नहीं पता था कि इसके बारे में क्या किया जाए, उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया होता है। अगर आप ध्यान से डिसीजन के बारे में देखें तो ज्यादातर एल्डर यहाँ पे त्यानलिंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तभी एक एल्डर तुरंत ही कहते, नहीं एक मिनट रुको, ये लड़का केवल 1,000 साल का है
और 1,000 साल का ये बच्चा इस मुकाम तक पहुंच सकता है। वो 13th जनरेशन के ऑरिजन गॉड किंग का बेटा है, हम उसे जाने नहीं दे सकते, वरना ये हमारे लिए एक डिजास्टर होगा। या तो हमें उसे ऑरिजन गॉड क्लेन के अंदर रखना होगा या उसे मार डालना होगा। यहाँ पे 9 की 9 फिगर 1,00,000 फीट की बॉडी को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है। जो देखकर जो किंग जुओ होता है वो तुरंत ही कहता है, डैम इट बास्टर्ड्स, इन 9 एल्डर्स ने सिर्फ एक बच्चे पर अटैक किया, इतनी घटिया सोच है, अगर मैं जिंदा होता मैं तुम्हें जिंदा मार देता। यहाँ तक इन जैसे ओल्ड मॉन्स्टर की एज के कंपैरिजन में तो वो बच्चा भी नहीं है। तभी एल्डर तुरंत ही कहता है, क्या तुम वास्तव में फैमिली में वापस नहीं आना चाहते? जैसे उसने पूछा होता उसकी आंखें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती हैं और बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करता। तभी त्यालिंग कहता है, इससे पहले मैं बस जानना चाहता हूँ मेरे फादर की बैटल में डेथ कैसे हुई, कहाँ हुई और क्यों हुई। यहाँ पे अब हवा में केवल 1,00,000 फीट की बॉडी और 9 एल्डर्स होते हैं। फैन जंग की तो फटकर फ्लावर पॉट हो चुकी होती है और वो गायब हो चुका होता है। तभी एल्डर्स तुरंत ही कहते हैं, हम 13th जनरेशन के ओरिजिन गॉड किंग की डेथ से बहुत दुखी है। तभी ओल्ड घोषू बू तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो, वो बस वही करो जो तुम करना चाहते हो, और अगर नहीं चाहते तो बस बात यहीं खत्म, तुम अपना पॉइंट हमें बता सकते हो। अगर तुम नहीं चाहते हो क्लेन में आना तो उसके रिजल्ट तुम्हें भुगतने होंगे, तो आप क्या करेंगे, हाँ या नहीं? ओल्ड घोस्ट बू की आवाज में कोई भी काइंडनेस नहीं होती। ऐसा लग रहा होता है कि 1,00,000 फीट की बॉडी भी उसकी नजरों में कोई बड़ी बात नहीं थी। जो देखकर त्यालिंग कहता है, फिर मैं नहीं चाहता, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। जैसे ही आवाज आता है ओल्ड घोस्ट बू और बाकी के सभी लोग चौंक गए होते हैं। वो तुरंत ही कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि हम कौन है जूनियर? इस ग्रेट वर्ल्ड के अंदर कुछ ही लोग हैं जो हमसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत करते हैं। जो देखकर त्यालिंग तुरंत ही कहता है, तो होता होगा लेकिन अब से नहीं होगा, अब से यह जिनसेन क्लेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। त्यालिंग की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता सामने खड़ा हुआ बंदा कौन है, अपने को क्या है, अपने को बस खून निकालना है। जो देखकर 9 एल्डर्स की भौहें भी चढ़ गई होती हैं। वो तुरंत ही कहते हैं, तुम्हारे पास ओरिजिन गॉड का ब्लड है, हालांकि तुम क्लेन में बड़े नहीं हो लेकिन तुम ऐसे विद्रोही वर्ड कहने की हिम्मत करते हो, और क्योंकि तुम जिद्दी हो और खुद को आग के समुन्द्र में धकेलने पर जोर देते हो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तुमसे हमारे क्लेन की ब्लड लाइन को वापस ले लेंगे। और इतने कहने के बाद बू एल्डर जो होते हैं वो सीधा ही सबसे पहले अटैक करने के लिए आगे आते हैं और अपने हाथ को उठाकर ताली बजाते हैं त्यानलिंग की तरफ, और ये पाम अटैक त्यानलिंग को ढकना शुरू कर देता है, जिससे त्यानलिंग की जो फिजिकल बॉडी होती है तेजी से ढहना शुरू हो गई होती है। हालांकि उसने इस पाम अटैक के ऊपर फिस्ट मारा होता लेकिन पावर का पूरा डिफरेंस होता है, जिसके बाद वो एल्डर तुरंत ही कहता है, हालांकि तुम इगोइस्टिक पर्सन हो और भले ही तुम किंग झुओ के सन हो, तुम्हें आज यहाँ मारा ही जाना होगा। त्यालिंग की बॉडी फटती जा रही होती है, ढहती जा रही होती है, भले ही उसके पास 1,00,000 फीट की बॉडी हो लेकिन इस पाम अटैक को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, और अंत में वो भागने में भी कैपेबल नहीं था। साथ ही इन ओल्ड मॉन्स्टर और एल्डर का उसके सामने कोई मुकाबला नहीं। साथ ही ओल्ड घोस्ट बू के प्रेशर से त्यालिंग पूरी तरीके से दबा हुआ होता है। तभी एक एल्डर तुरंत ही कहता है, उसे मारना अच्छा है, हालांकि अपने पावर के बारे में नहीं जानता लेकिन ये लड़का काफी टैलेंटेड था, लेकिन उन सभी को खत्म करना सबसे सही चीज है जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे सभी को यही लग रहा होता कि सिचुएशन नहीं बदल सकती थी और यह बंदा मरने वाला है। तभी त्यानलिंग गुस्से से चिल्लाते हुए तुरंत ही कहता है, ओरिजिन गॉड्स, सभी ओरिजिन गॉड्स मरने लायक हैं। त्यानलिंग खून से लथपथ होता और एक बार फिर से चौंकाने वाली दहाड़ निकलती है, और उसकी इस दहाड़ से सभी 9 फिगर पीछे की तरफ हट गई होती है, उनका ब्लड खोलने लग गया होता है और त्यानलिंग की पूरी बॉडी सन की तरह गोल्डन साइन होने लगती है और बॉडी फैलना शुरू हो गई होती है। सभी की आंखें सिकुड़ गई होती है क्योंकि आसमान से टकराने वाली चौंकाने वाली दहाड़ ने उन्हें ताकत के मामले पे झटका नहीं दिया था, लेकिन ये ब्लड लाइन प्रेशर था जो उन्हें महसूस हो रहा होता है। ये ऐसा झटका था जो उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर रहा होता है। इन सभी 9 एल्डर्स की आंखें सिकुड़ गई होती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे त्यालिंग की दहाड़ उन्हें बता रही हो कि वो रियल एम्परर है, वो रियल किंग है, और वो अनाउंस कर रहा हो चिल्ला चिल्ला के कि मेरे सामने सरेंडर कर दो। सभी लोग तुरंत ही कहते हैं, सुपर जायंट ओरिजिन गॉड, ये वास्तव में वही ब्लड लाइन है, अगर ये बड़ा हो जाता है तो ये ओरिजिन गॉड क्लेन का नया एम्परर बन सकता है, और ओरिजिन गॉड क्लेन को अगर ये लीड करता है तो हम हर खतरे से बच सकते हैं। अचानक इस सीन ने सभी लोगों को झिझकने और हैरान पर होने पर मजबूर कर दिया था, यहाँ तक कि 9 एल्डर्स भी झिझक रहे होते हैं। तभी आसमान से एक कैजुअलाइट गरजती हुई बिजली की तरह त्यानलिंग के दिल में घुस गई होती है, और अचानक ही त्यानलिंग की जो बॉडी होती है इस कैजुअलाइट से टकराते ही फैलना बंद हो जाती है,
और यह एज़ोलाइट पूरे ही उसकी बॉडी में फैल जाती है और वो ब्लड की वॉमिटिंग करने लगता है। उसकी साथ से तेजी से उदास होने लगती है, जो देखकर सभी तुरंत ही कहते हैं कौन यह एज़ोलाइट कहीं से आई होती है जिसने त्यानलिंग की बॉडी में अटैक किया होता और इसमें पॉइजन होता है। तभी त्यानलिंग तुरंत ही कहता है हजारों सालों के बाद भी मुझे कोई पछतावा नहीं, हालांकि मैं अभी भी इसका पता नहीं लगा सका हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा था कि त्यानलिंग का यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। उसी टाइम पे जिनसेन क्लेन के ऊपर एक स्टार पे एक फॉर्म फिगर खड़ी हुई दिखाई देती है जिसके आईब्रो के बीच में स्टार सील ग्लो हो रही होती है, लेकिन उसके अलावा भी उसके फोरहेड पर एक मार्क होता है। और जब जॉन ये मार्क देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई होती है और वो तुरंत ही कहता है डैमन गॉड, ये डैमन गॉड है। जो यान एकदम हैरान हो गया होता है कि बहन का घोड़ा ये क्या कर रहा था। जाहिर तौर पर जो सीन जॉन की आंखों में दिखाई दे रहा था वो जॉन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया था। डैमन गॉड हवा में होता है और वाइड में उस जाइंट फिगर को देख रहा होता है जिसका मांस और खून इंच दर इंच ढह रहा होता है। वो तुरंत ही कहता है ये बॉडी बुरी नहीं है, मेरे पास अभी जो बॉडी है उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। और इतना कहते हुए डैमन गॉड चारों तरफ देखता है, लेकिन लकीली किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। जिसके बाद डैमन गॉड कहता है मुझे इस बच्चे को यहाँ से दूर ले जाना होगा, ये अफसोस की बात है कि उसका यहाँ मरना अफसोस की बात होगी। भले ही यहाँ पे डैमन गॉड का मार्क उसके आईब्रो पे दिख रहा होता है, लेकिन निश्चित तौर पर यह डैमन गॉड नहीं होता बल्कि एक बॉडी थी जिसे डैमन गॉड ने एक छीन लिया था, जो कि ओरिजिन गॉड का एक क्लोन था। जिसके बाद डैमन गॉड तुरंत ही कहता है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपने ट्रेनिंग के लिए इन सभी लोगों को मारकर इनके साथ ट्रेन करना चाहिए, इन्हें मार दूंगा तो इन्हें ले जाना फिर बुरा नहीं होगा। ऐसा लग रहा होता है डैमन गॉड के दिमाग में कोई गलत ही खिचड़ी पक रही थी। हालांकि जब डैमन गॉड ये सोच रहा होता है तभी उसके बगल में एक फिगर दिखाई देती जिसने पीठ के पीछे हाथ रखे हुए होते हैं और सामने की तरफ आसमान में देख रहा होता है। तभी किंग तुरंत ही कहता है हालांकि अंत में मुझे ओरिजिन गॉड ने नहीं, मुझे 9 एल्डर्स ने नहीं बल्कि एक पर्सन ने मारा जो कोई और ही था, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये अवश्य ही डैमन गॉड होना चाहिए। ये बात तो जॉन के लिए भी एकदम उसके कानों में क्लियर होती है। जो जॉन को दिखाया जा रहा था वो पास्ट की मेमोरीज थी, लेकिन ये इतनी ज्यादा रियलिटी के साथ जो यान के सामने थी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर इन सभी मेमोरीज को पीछे छोड़ा हो। हालांकि त्यानलिंग अपनी लिमिट तक पहुंच गया था, उसकी बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही थी और ये सीन काफी दुखद लग रहा होता है। जहां तक इस सीन को देखने वाली 9 फिगर्स की बात थी, वो अपने हाथ पीठ के पीछे रखे हुए होते हैं, किसी ने भी इसे बचाने की स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी। तभी एल्डर तुरंत ही कहते शायद वास्तव में उसने एक्सट्रीम जाइंट ओरिजिन गॉड की पावर को अवेक किया है। उसकी क्वालिफिकेशन के साथ ओरिजिन गॉड के इनफाइनेट टाइम पे ऐसा कोई भी अपेयर नहीं हुआ, क्या हम वास्तव में चाहते हैं कि वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तभी एल्डर तुरंत ही कहते हैं मोक्यूसेन ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं है बल्कि ये किंग झुओ का बेटा है, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि किंग झुओ की डेथ में तुम भी शामिल हो। तभी वो तुरंत ही कहता है ये बेटा केवल पास्ट में हुई सच्चाई का पता लगाना चाहता है, शायद इसमें 100 साल लगेंगे, ये बेटा बड़ा होकर आपसे या मुझसे भी ज्यादा बेहतर होगा और इससे भी ज्यादा सच्चाई जानने के बाद वो हम सभी को मार देगा। ओल्ड घोस्ट बू अचानक ही बोलते हैं और उस पर्सन की तरफ देखते जो एकमात्र पर्सन होता है जिसने उम्मीद के साथ त्यानलिंग को देखा होता है, उसका त्यानलिंग को मारने का कोई इरादा नहीं होता। तभी वो एल्डर तुरंत ही कहते हैं हालांकि हम सभी किंग झुओ की डेथ में शामिल है लगन, लेकिन इस बेटी की ताकत अब छिपी नहीं, कोई भी 9 स्टार पर इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता, यहाँ तक कि 10,000 साल तक भी इस मुकाम तक पहुंचना मुश्किल है। मुझे लगता है कि इसे हमारे लेवल तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ तक कि हमसे स्ट्रांग होने के लिए भी। एम्परर झुओ के बाद किसी भी नए ओरिजिन गॉड को क्रिएट नहीं किया गया राजा की पोजीशन के लिए, ये वास्तव में हमारा लालच था जिसके कारण ये सब हुआ, और वैसे भी हमें अब इसके बारे में बात करना बंद करना चाहिए तो इसकी बात मत करो। हालांकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन वो काफी ईमानदार भी है, अगर उससे अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाता है तो वो ओरिजिन गॉड को सपोर्ट जरूर करेगा। तभी एक एल्डर तुरंत ही कहते हैं लेकिन उसका बिहेवियर अजीब है और वो किंग बनने के लिए परफेक्ट नहीं है। कई लोगों की बात के बाद जो एल्डर मो क्यूसेन होते हैं वो चुप हो गए होते हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता थी कि एज़ोलाइट कहां से आई, लेकिन 9 एल्डर्स को शायद इसके बारे में पता था, इसीलिए वो चुपचाप रहते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कहते। वो त्यानलिंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख रहे होते हैं। दूसरा त्यानलिंग को भी एहसास होता है कि उसका अंत आ गया है, वो और मौत से नहीं बच पाएगा, इसलिए वो अपने आईब्रो के सेंटर के स्टार सील को ब्लास्ट करना चाहता था। उसकी बॉडी के अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है और त्यानलिंग की दहाड़ निकलती है, भले उसने 3 स्टार ब्रेक कर दिया हो लेकिन उसके आईब्रो के स्टार के टूटते ही एक खतरनाक पावर उसकी बॉडी में फैलने लगती है और तुरंत ही 9 में से 3 फिगर गायब हो गई होती हैं और हवा में तुरंत ही 3 जाइंट फिगर अपियर होती हैं। वो तुरंत ही 3 फिगर कहती है अनबिलीवेबल है कि एक बंदा एशियन गॉड रियलम के पास पहुंचकर 1,00,000 फीट की बॉडी को हासिल कर सकता है, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो ये बस यहीं तक था, इसे नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसे मरना होगा।
तीनों फिगर एक पल में ही ऐसा लग रहा था त्यानलिंग को मार देना चाहती है। दोस्तों त्यानलिंग की बॉडी से जो गोल्डन लाइट निकल रही होती है वो उसके पावर के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा निकल रही होती है। यहाँ तक कि ये सन की तरह लाइट चारों तरफ फैलती हुई महसूस हो रही होती जिसने तीनों एल्डर्स को भी हिलाकर रख दिया था। वो तुरंत ही अपने फिस्ट उठाकर त्यानलिंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक आवाज आती है, ओरिजिन गॉड को डिस्ट्रॉय होना चाहिए, सभी ओरिजिन गॉड्स को मर जाना चाहिए। ये आवाज वाइड में फूट पड़ती है और गोल्डन लाइट के बीच एक चौंकाने वाली फिगर दिखाई देती है। हालांकि ये सिर्फ एक स्केलेटन होता है, लेकिन इसकी साइज पहले से ही 10 लाख फीट तक पहुंच गई होती है। साथ ही मांस और ब्लड के बिना ये सिर्फ हड्डी का एक ढांचा होता है, लेकिन उससे जो पावर शो हो रही थी वो अभी भी सब कुछ डिस्ट्रॉय करने वाली लग रही थी। जिसके बाद एक धीमी टकराने की आवाज के साथ तीनों की बॉडी हवा में उड़ती हुई दिखाई दे रही होती है, जो देखकर मो क्यूसेन तुरंत ही कहते हैं, क्या? उसकी आंखें सिकुड़ चुकी होती और चेहरे का सदमा छिप नहीं रहा होता। वो तुरंत ही कहता है, ये एक्सट्रीम ओरिजिन गॉड, ये वही क्वालिफिकेशन है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, बस शायद 10,000 साल, और वो अब तक की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग ओरिजिन गॉड होगा। इस टाइम पे मो क्यूसेन की आंखें काफी ज्यादा उम्मीद से भरी हुई दिख रही होती हैं, जिनमें उम्मीद का एक संकेत था, लेकिन बाकी सभी लोग काफी डरे हुए दिख रहे होते हैं। तभी एल्डर बू तुरंत ही कहता है, मो क्यूसेन चलो एक साथ उसे मार दें, मत भूलो अगर हम एशियंट रियलम को तोड़ सकते हैं तो हम एम्परर जो के ब्लड को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, जिससे हमारी पावर स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जो सुनकर जॉन चौंक गया होता है कि क्या इन लोगों ने अपने ही क्लेन के एम्परर को मारकर उसके ब्लड के लिए मार दिया उसे। किसी भी फैमिली के लिए ऑब्वियसली काफी घटिया बात होगी। जॉन को भी उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में ये लोग इतने घटिया होंगे। और मो क्यूसेन को छोड़कर बाकी की 8 फिगर पहले ही बाहर आ चुकी होती है, त्यानलिंग को मारने के लिए एक्शन ले चुकी होती है, जो 10 लाख फीट के स्केलेटन में बदल गया था। हालांकि इन ओल्ड 9 ओल्ड मॉन्स्टर की पावर काफी ज्यादा थी और उनके गोल्डन लाइट से बढ़े हुए अटैकों से त्यानलिंग की हड्डी आखिरकार डिस्ट्रॉय होने लगती है। तभी त्यानलिंग कहता, चाहे ये डेथ हो या लाइफ, मेरे फादर की डेथ यहीं हुई, इसीलिए मेरे लिए यहाँ मरना कोई डरने की बात नहीं। साथ ही उस गोल्ड आदमी, मुझे अब समझ में आया कि मैं उससे इतनी नफरत क्यों करता हूँ, क्योंकि उसकी स्टार पावर बिल्कुल मेरे जैसी है। तो जब मैं पैदा हुआ मैं वन स्टार ओरिजिन गॉड भी नहीं था, लेकिन किसी ने मेरे फादर के सिर को उस पर्सन के हाथों में लाकर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे फादर की मौत की स्ट्रेटजी उसके द्वारा बनाई गई हो? त्यानलिंग यहाँ बेहद चालाक होता है, उसने इन फिगर्स को देखा, उनके पागलों वाले अटैकों को देखकर और फैन जेंग के हाथ में अपने फादर के सिर को देखकर अंदाजा लगा लिया था। वो तुरंत ही कहता, अगर आज मैं अब यहाँ मरने वाला हूँ तो आप ओल्ड मॉन्स्टर्स, आप लोगों की मैं खाल तो उधेड़ ही लूंगा। और त्यानलिंग की वोन फिश दहाड़ते हुए सामने के दो एल्डर्स की तरफ जाती है। यहाँ एशियंट रियलम के ओरिजिन गॉड के साथ फाइट करने के लिए वो 9 स्टार ओरिजिन गॉड की पावर का यूज कर रहा होता है, जो अब तक के ओरिजिन गॉड क्लेन में कभी भी नहीं हुआ था। ये अपने आप में ही एक मिथ होता है जिसके बारे में कभी कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। तो चलो गाइस, इस सीन को अब यही एंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में देखेंगे कि क्या डेमन गॉड इसकी मदद करने के लिए आएगा या इसे मरता हुआ देखेगा, त्यानलिंग इन्हें मार पाएगा या खुद मार दिया जाएगा, जो होगा नेक्स्ट एपिसोड में होगा। तो बाय बाय थ्रियन फैमिली, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग, जब मिल जाए तब देख लेना। बाय बाय।